सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटर आर्ट्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आए हो कुछ होंगे। तो बहुत टाइम बाद अपना वीडियो आ रहा है भाई, और वो क्यों इतना लेट आ रहा है, क्योंकि भाई इतने फंक्शंस थे यार घर में, और मतलब यार दोस्त मतलब बहुत सारे फंक्शंस थे इस महीने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और इसलिए भाई वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, सॉरी उसके लिए। 11-12 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियो को, मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो अपना अपलोड किया था, तो सॉरी भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो। तो कोई ना, अभी वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो आज का वीडियो कुछ लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस चीज़ को बोल होने वाला है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी बाइक पर रेव मैच कैसे कर सकते हैं, वो भी क्लच लेस। मतलब एक बार रेव मैच आपको मैं समझा देता हूँ। जो क्लच लेस गियर डाउन शिफ्ट होते हैं, मतलब गियर आप मतलब जब गियर निकालते हो डाउन शिफ्ट करते हो, तो वो आप क्लच लेस कैसे कर सकते हो, मतलब बिना क्लच के कैसे कर सकते हो। मेरे बाल अभी इग्नोर कर देना भाई, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं थोड़ी, मतलब इग्नोर कर दिया था मैंने अभी थोड़ा इस मंथ सब चीज़ को। बाइक भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, ये खड़ी अपने पीछे अपनी आर स्टूडेंट, इसमें छोटे से प्रॉब्लम भी हो गया है। इसके जो एक लो बीम है ना, वो मतलब वर्क नहीं कर रही है, पता नहीं क्या LED ख़राब हो गई या फिर किसी वायरिंग में दिक्कत है। बाकी चलो उस चीज़ को बाद में देख लेंगे, बाकी वीडियो को कर रहे हैं कंटिन्यू। तो रैम मैच करके दिखाऊंगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने मोटर व्लॉग सेटअप पे। और गाइज, आप ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं अपने नए फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, जो कि है सैमसंग जेड फ्लिप 3। हाँ, 3 है। तो सोचा एक बार इसको भी ट्राई करते हैं कैसा फ़ोन है, मतलब वीडियो अच्छी मतलब शूट कर लेता है, जैसे कि आप क्वालिटी देख ही सकते हैं। अगर अच्छे से और देखने तो थोड़ा आपको सेटिंग में जाके एडवांस करना पड़ेगा इसको, मतलब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वीडियो क्वालिटी को। और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको अपने फ़ोन की GoPro को चालू करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक कैमकॉर्डर होता है ना, वो इस टाइप से पकड़ लेते हैं, आप ऐसे भी इसको वीडियो शूट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को इसका, तो सोचा एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। और बताना मेरा फ़ोन कैसा है भाई, मतलब देखा होगा आप लोगों ने, पर लेकिन इसका बस मेरा मेन मोटिव था कि इसका एक बार वीडियो मैं रिकॉर्ड करके देखूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड कैसी करता है। तो चलो अब इसको कर लेते सीधा। और सामने खड़ी हुई अपनी बाइक, एक बार बाइक दिखा देता हूँ आप, ये खड़ी हुई अपनी बाइक। तो इसका मतलब इसमें फ़ोन में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जो कि हम अपने व्लॉगिंग मतलब अपनी व्लॉगिंग में काफ़ी चीज़ों को इनहांस कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, रिकमेंड करूँगा, ले सकते हो आप। और आज से मैं फ़ोन के रिव्यूज़ भी चालू कर दूँगा, बताओ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए भाई। बाकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस फ़ोन की, बट मेरे को थोड़ा स्टेबिलिटी में थोड़ा इसमें मतलब थोड़ा डाउट लगता है, बस थोड़ा स्टेबल नहीं रहता ये फ़ोन कभी कभी वीडियोज़ में। बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अगर आपको अच्छे से देखनी है तो आप सेटिंग्स में जाइए यूट्यूब की, और वहाँ पे मतलब फुल करके देखिए क्वालिटी को, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहा है। और ये खड़ी अपनी बाइसन, तो देख सकते हैं एक रेड आई, डेविल आई बोलता हूँ मैं इसको, काफ़ी सही है। तो यहाँ पे अपना बैग पड़ा हुआ है, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम बाद अपना वीडियो आ रहा है, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अपने मोटर व्लॉग सेटअप पे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉग सेटअप पे। तो मेरे को पता नहीं अपने मोटर व्लॉग सेटअप में भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि एकदम जैसे मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ तो एकदम वीडियो मतलब मेरी आवाज़ फट रही है, मतलब थोड़ा पता नहीं कैसे हो रहा है, पर कोई नहीं, कर लेंगे इसको भी। अभी चलते हैं, बाइक को घुमाते हैं वापस, एंड आपको दिखाता हूँ मैं रेव मैच कैसे किया जाता है, एंड थोड़ा बाइक को बहुत टाइम बाद मैं राइड भी कर रहा हूँ, तो बाइक पर थोड़ा फ़न करते हैं, थोड़ा भगा के देखते हैं इसको, क्योंकि जब तक मैं बाइक को भगाता नहीं हूँ, जब तक मेरे को मज़ा आता नहीं है। तो गाइस, रेव मैच होता क्या है वो मैं एक बार आपको एक इजी वे में समझा देता हूँ, कि जब आपको क्लच लेस शिफ्ट्स करने होते हैं या फिर इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना होता है, रेव मैच जब ही किया जाता है। आप भाई आप लोग अपना दिमाग कितना भी दौड़ा लें, वो भाई जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा जो एक इंजन ब्रेकिंग होती है ना, वो बहुत अच्छे से मतलब रेव मैच करके ही हो सकती है। और क्या मतलब आप क्लच लेस डाउन शिफ्ट कर सकते हैं अपनी बाइक में, काफ़ी मतलब ठीक हो जाता है, मतलब प्रोफेशनल टाइप लगता है थोड़ा, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है वो। और एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी मैं 8000 RPM के पास हूँ और सामने ब्रेकर आ रहा है, मेरे को बाइक रोकनी है। तो अभी मैं आपको रेव मैच करके दिखाता हूँ, देखो मेरा हाथ ये रहा, मैं
डाउन शिफ्ट मारूंगा और मेरा हाथ यहाँ देख लेना, यहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ है और बाइक है अभी चौथे गियर में। तो देखो ये गियर निकल चुका है, ये होता है ड्रिव मैच। तो मतलब बाइक आपकी झटका नहीं मारती जैसे और बाइक्स में ऑटो ब्लेपर होता है, तो उस टाइप से आप इसको मैनुअली कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रेव मैच। और काफ़ी लोग भी इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। तो गाइज ये होता है रेव मैच, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, एक बार और करके दिखाता हूँ। काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी वो रेव मैच नहीं करते, वो बस बकचोदी करते हैं, भाई सच बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं वो रेव मैच करने के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कर कर रहे हैं, वो गियर निकाल रहे होते हैं और भाई क्लच ऐसे 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 क्लच हो रहा होता है उनका, कभी ध्यान देना उनमें। काफ़ी वीडियोस मैंने देखे थे, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो एक बार मैं करके दिखा दूँगा आपको दोबारा से। तो बाइक है मेरी सिक्स्थ गियर में, अब मेरे को गियर निकालने हैं, ये देखो गियर निकल गए हैं दो। तो देखो बाइक हायर आरपीएम पे है और मेरे को अब गियर निकालने हैं, डाउन शिफ्ट करने हैं। देखो ये रहा मेरा हाथ और मैं गियर निकाल रहा हूँ, देखो निकल गया। ये देखो तीन गियर में निकाले, इसे कुछ दिक्कत भी नहीं होती है, बट आपको रेव मैच करना ऐसे पड़ेगा कि जब जिस टाइम आप अपना गियर डाउन मार रहे होगे उस टाइम ही आपको थ्रॉटल थोड़ा ट्विस्ट करना होगा, मतलब थोड़ा थ्रॉटल देना होगा बाइक को, तो आपका गियर रिलीज हो जाएगा। यार लीन करने में बहुत मज़ा आता है यार, पर लेकिन मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा फ्रंट वाला टायर जो है वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल। तो दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो मेरी बाइक फिफ्थ गियर में, अभी ये मैं सिक्स्थ गियर डाल दिया, ये अब डाला है सिक्स्थ। तो बाइक है 103 पे और देखो ये रहा मेरा हाथ, ये देखो एक गियर निकला, दूसरा गियर निकला, ये होता है रैम मैच। और रैम मैच करना ऐसा होगा आपको, जब आप गियर डाउन कर रहे होगे तो आपको मतलब थोड़ा थ्रॉटल देना होगा अपनी बाइक को, देन आपका गियर निकल जाएगा, ये होता है रैम मैच। काफ़ी प्रोफेशनल लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है काफ़ी। और पता नहीं मेरे को मेरे हेलमेट में विंड ब्लास्ट भी कुछ ज़्यादा ही आ रहा होगा शायद। भाई इसको लीन करने में मज़ा तो आता है, पर लेकिन टायर अच्छे डलवाने पड़ेंगे अब मेरे को इसमें, या फिर बाइक की अपग्रेड होगी अब। चलो गाइस भगाते हैं थोड़ा आरएस को। बहुत ज्यादा तेज विंड ब्लास्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा तेज। तो गाइस आप कुछ ऐसा ट्राई मत करना, मेरे को लगा पुलिस वाले खड़े हैं। My soul left my body. चलो थोड़ा देखते हैं कितना भागती हमारी आर एस 200। रैम मैच मैंने करके दिखा दिया आपको, अगर आपको इसके टॉप स्पीड का वीडियो चाहिए तो जाके मेरे को कमेंट करो, देन आपको टॉप स्पीड का भी वीडियो मिल जाएगा। एंड अब मैं कंटिन्यू रहूँगा यूट्यूब पे, हमारा वीडियो 5 बजे आता है तो टाइम याद रखना मेरी ऑडियंस। वन थर्टी टू लग गई है, 135 लिमिटर आ गया, 139 पे लिमिटर आ गया, 142 का लिमिटर, 142 का लिमिटर है भाई, 142 का लिमिटर। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, मिलते हैं फिर अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।